हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई एम उर्वी मेहता फ्रॉम मुंबई। आज अमूल के फेसबुक पेज पर हम लोग गणेश जी फेस्टिवल स्पेशल अंजीर मोदक बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ अमूल का एंड दीपा बहन का, जिन्होंने आज फिर से मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं मोदक की लाइव रेसिपी बना सकूँ। अब हम लोग मोदक के इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं। मैंने मोदक के लिए लिया है अमूल का पनीर लिया है, 100 ग्राम्स ऑफ मैंने पनीर लिया है। मिल्क पाउडर है ये अमूल का मिल्क है, ये शुगर है, ये काजू है। हम लोग अंजीर फ्लेवर का मोदक बना रहे हैं, तो मैंने अंजीर का पेस्ट बनाया है। और ये गार्निशिंग के लिए मैंने आलमंड और पिस्ता की स्लाइस करके रखी है। अब हम लोग इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। 100 ग्राम्स ऑफ पनीर में मैंने एग्जैक्टली मेजर करके ये 1/3 कप मिल्क पाउडर लिया है, 1/2 कप मिल्क लिया है, 1/2 कप शुगर लिया है और 7 से 8 हम लोगों ने केशू लिया है। 2 अंजीर को मैंने 4 घंटे पानी में भिगो के रखा था, फिर उसको मैंने मिक्सर में क्रश करके इसका पेस्ट बना लिया है। अंजीर को हमें पानी में भिगो के रखना है, दूध में नहीं भिगोना है वरना वो फट जाएगा। अब हम उसकी प्रोसेस देखते हैं। हम लोग मिक्सर में पहले पनीर ऐड करते हैं। हमें सारी चीजें मिक्सर में ऐड करके उसका एक डो लगाना है। अब हम लोग इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये मैंने अमूल गोल्ड लिया है, वो मैं 1/2 कप ले रही हूँ। शुगर ऐड करेंगे और ये काजू ऐड करेंगे। एक साथ हम लोगों को सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्सर में ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। चेक कर लेते हैं कि मिक्स हुआ है कि नहीं। हाँ, हम लोगों का ये डेटर रेडी हो गया है, पर इसमें कहीं कहीं काजू के पीसेस दिख रहे हैं, तो मैं फिर से मिक्स कर रही हूँ। अब ये स्मूथ पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। हमारा ये स्मूथ पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम एक पैन लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करके मैं इसमें ये मिक्सर ऐड कर रही हूँ। हमें घी या और कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोगों ने जो ये मिक्सर बनाया वही ऐड कर रही हूँ मैं। इसमें ऐड कर देते हैं पूरा मिक्सचर। अब गैस की फ्लेम स्लो है और स्लो फ्लेम पर हम इसे चलाते जाएंगे। इससे हमारा नावा मोदक रेडी हो जाएगा। फिर अब हम उसमें फ्लेवर के लिए जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल अंजीर मोदक बना रही हूँ, तो मैं अंजीर की पेस्ट ऐड करूंगी। गैस की फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे। और स्लो फ्लेम पर हम इसे मिक्स करते रहेंगे।
उसे कंटिन्यूसली हमें हिलाते रहना है, वरना वो नीचे से जल जाएगा। ये नावा मोदक रेडी हो जाएगा, फिर हम उसमें से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के मोदक बना सकते हैं। कोको पाउडर ऐड करके हम लोग चॉकलेट मोदक बना सकते हैं, रोज सिरप ऐड करके हम लोग रोज फ्लेवर के मोदक बना सकते हैं, केसर ऐड करके केसर मोदक बना सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप एक बार ही नावा मोदक बनाना सीख गए तो बहुत सारे मोदक इजीली बना पाएंगे। हम लोग अभी अंजीर फ्लेवर के मोदक बना रहे हैं, तो पहले मैंने उसके लिए लिया है 100 ग्राम्स ऑफ अमूल का पनीर लिया है। उसमें मैंने मिल्क पाउडर, काजू, सुगर और मिल्क ऐड करके मिक्सर में क्रश करके उसका पूरा एक डो बना लिया, बैटर बना लिया मैंने। और अभी उसको गैस की फ्लेम पर पैन में ऐड करके हम लोग कुक कर रहे हैं। अभी ये देखो आप देख पा रहे हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है और ये थिक होने लगा है। तो अब हम इसके अंदर अंजीर की पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने 2 अंजीर की पेस्ट ली है क्योंकि हमारा ये बैटर भी 100 ग्राम से ही था, तो उसमें इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। अब फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। स्लो फ्लेम पर ही हमें ये करना है, अदरवाइज वो जल जाएगा। धीरे धीरे से उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी और वो कुक हो जाएगा। जब वो पैन छोड़ने लगे और एक डो जैसा फॉर्म बन जाए, तब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, वरना वो चुई हो जाता है। अभी भी थोड़ा टाइम है, पर ये कुक हो रहा है। जैसे उसे मिक्स करते रहना है। मेरा मिक्सचर थोड़ा सा ही है, तो 8-10 मिनट में, 7-8 मिनट में वो रेडी हो जाएगा। अभी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी और ठीक होती जाएगी। देख रहे हैं आप ये अब काफी ठीक हो चुका है और थोड़ा बहुत तेल भी छोड़ने लगा है। सिर्फ अभी डो फॉर्म नहीं बना है, 1 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। मार्केट से हम लोग ये अमूल के फ्लेवर के पनीर एंड मिल्क पाउडर यूज करके ही घर पे अच्छे से मोदक बना सकते हैं। बहुत ही रिच टेस्ट आता है। अभी भी ये पूरी तरह से नहीं हुआ है रेडी। नॉनस्टिक पेन यूज करेंगे ना तो थोड़ा सा जल्दी से हो जाएगा।
चारों ओर से लेते हुए अच्छे से मिक्स करते रहना है। अभी काफी ठीक हो गया है। ऑलमोस्ट वैसा भी हमारा कुक हो गया है। देखते हैं, आप देख रहे हैं अभी ये पैन अच्छे से छोड़ रहा है और ये डो फोड़ने भी आ गया है, क्योंकि और अब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी और ठीक हो जाएगी, हम इसे ओवर कुक नहीं करेंगे। ये अब एक अच्छे से एक तरफ आकर ऐसे डो बन रहा है, बॉल जैसे फोड़ने वो आ रहा है, आप देख रहे हो। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसे ठंडा होने के लिए हम एक डब में निकालते हैं। देख रहे हो फ्रेंड्स, वो अच्छे से देखो ऐसे डो फोड़ने रेडी हो गया। इसमें मैंने अंजीर की पेस्ट ऐड की है, इसलिए ये अंजीर फ्लेवर का मोदक है। अगर आप इसमें केसर का मिल्क ऐड करेंगे तो वो केसर फ्लेवर का मोदक बन जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं इसे ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमें ये कंसिस्टेंसी मिलेगी, ये कंसिस्टेंसी में हमारा ये डो भी रेडी हो जाएगा। अभी मैंने जस्ट ये 1 आवर पहले ही बनाकर रखा है। अब हम इसे मोदक मोल्ड में ऐड करके मोदक का शेप दे देंगे। बड़ा मोदक बना रही हूँ और बाकी हम लोग रेगुलर साइज के मोदक बनाएंगे। ये मैं घी से इसे ग्रीस कर रही हूँ मोदक मोल्ड को, ताकि वो अच्छे से दहा जाए। और ये जस्ट फॉर गार्निशिंग के लिए मैं ऐड कर रही हूँ ऐसे पिस्ता और बादाम की स्लाइस। अब हम इसमें से थोड़ा सा डो लेंगे और ये जो मोदक मोल्ड है उसकी एक साइड पर प्रेस करके प्लेस करेंगे। सेम हम उसको दूसरी साइड भी रखेंगे। अंजीर की हम लोगों को एकदम से पेस्ट नहीं करनी है, थोड़े से छोटे छोटे पीसेस भी रहेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा, वो क्रंची। अच्छे से दताते हुए हम लोग इसे जो एक्स्ट्रा है हम लोगों का वो निकाल लेंगे साइड से क्लीन करते हुए। और अब हम लोग मोदक को मोदक मोल्ड से निकालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मोदक कितने क्यूट और अच्छे बने हैं। और हम लोगों ने पिस्ता और बादाम की स्लाइस लगाई है तो उससे उसका लुक अच्छा आता है। अब बाकी के मोदक में छोटे रेगुलर जो मोल्ड रहता है उसमें बनाऊंगी, और उसको भी मैं पहले घी से ग्रीस कर लूंगी। दोनों साइड पर ऐसे थोड़ी थोड़ी स्लाइस ले लेंगे, फिर जो मोदक का डो है वो ऐड करेंगे दोनों तरफ। आजकल ये मोदक मोल्ड मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और आप इसे प्लेट में रखकर रेक्टेंगल शेप देकर अंजीर बर्फी, अंजीर पेड़ा भी बना सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा है वो मैंने निकाल लिया है। अब हम इसे मोदक
साइड क्लीन करके मैं इसे बना रही हूँ। इसी प्रोसेस से हम सारे मोदक रेडी करेंगे। हम सारे मोदक बनाएंगे। ये मोदक का हेल्दी वर्जन हो गया है। बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं और मोदक तो पसंद रहते ही हैं। तो हम लोगों को इस तरह से मोदक के फोन में ड्राई फ्रूट्स ऐड करके खिला सकते हैं। हो सके तो थोड़ा घी वाला हाथ करके उसे प्रेस करेंगे। और 100 ग्राम ऑफ पनीर से हमारे 7 से 8 मोदक तक मतलब ये रेगुलर साइज के रेडी हो जाएंगे। मैंने एक बड़ा बनाया है, फिर भी हमारे ये 4 मोदक रेडी हो चुके हैं। एक मिनट, अब हम एक लास्ट मोदक बना लेते हैं। एक बार फ्रेंड्स आप ये देश सीख गए नावा मोदक का, तो उससे आप बहुत अच्छे से घर पर ही मोदक बना सकते हो जो फ्रेश रहता है मार्केट से कहीं ज्यादा। और ये हमारे मोदक रेडी है। जो एक्स्ट्रा है ना वो हम लोग ऐसे निकाल देंगे ताकि उसका अच्छे से शेप आ जाए। मैं इसे सर्विंग प्लेट में लेती हूँ। देख रहे हैं फ्रेंड्स आप मोदक कितने अच्छे बने हैं और वो खाने में भी इतने ही टेस्टी हैं, क्योंकि उसमें पनीर एंड मिल्क पाउडर है, केशु है, तो उसका टेस्ट बहुत ही रिच आता है। अब हम इसका पनीर स्टिक को भोग लगाएंगे। फ्रेंड्स आपको ये मेरी मोदक की रेसिपी कैसी लगी जरूर से बताना, और एक बार ये जरूर से ट्राई करना, बहुत ही अच्छा बनता है। थैंक यू।